दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसमें आप अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का एक लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत यह है कि सरकार जो लघु उद्योगों के लिए जो सब्सिडी दे रही है उसका भी आप फायदा इस बिजनेस में ले सकते हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है उसे कम ला सकते हैं खुद का एक लघु उद्योग शुरू करके, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करके। तो इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं वो है नोटबुक बनाने का लघु उद्योग। नोटबुक बनाने का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हर सीजन में चलता है, पढ़ाई होती रहती है बच्चों की तो पूरे साल नोटबुक की जरूरत पड़ती रहती है। और नोटबुक एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी मिल सकता है, तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर आप किसी रूरल एरिया में रह रहे हैं या फिर किसी भी एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो वहां पर अपने घर पर ही एक या फिर एक कॉमर्शियल जगह पर आप अपना खुद का एक नोटबुक बनाने का एक मशीन जो है वो एस्टेब्लिश करके अपना खुद का एक छोटा सा लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं। और हर एक नोटबुक को एक अच्छे खासे मार्जिन पर आप होलसेल या फिर रिटेल में भी बेच सकते हैं अपने अपने एरिया के अंदर। और ये बिजनेस जो है उसमें कभी भी मंदी नहीं आने वाली, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बच्चों की हमेशा चलने वाली है, तो इस बिजनेस में कभी भी आपको मंदी का टेंशन नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह की मशीनरी से नोटबुक आप आसानी से अपने ही जगह पर अपने ही घर पर बना सकते हैं। तकरीबन हम एक नोटबुक पर कम से कम 2 या 3 रुपए कमा सकते हैं अगर इसे हम होलसेल में बेचते हैं रिटेलर्स को, या फिर हम दूसरे तरीके से भी इसमें ज्यादा कमा सकते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी स्कूल्स है, बड़े बड़े ट्यूशन क्लासेस होते हैं वहां पर भी आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि वो लोग उसका जो फ्रंट पेज होता है उसका स्कूल का लोगो छपा हुआ होता है ऐसे ही नोटबुक उनको देते हैं। तो अगर आप स्कूल्स को या फिर बड़े बड़े ट्यूशन क्लासेस को अगर आप जाके उसके साथ कोलाबरेट करोगे तो उसमें आपको और भी ज्यादा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि उसमें आप ज्यादा रेट पर नोटबुक्स को बेच पाओगे, क्योंकि उसकी जो नोटबुक होगी वो कस्टम होगी तो उसके ऑर्डर्स आप ले सकते हैं और उसमें आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। दूसरे भी बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें आप अपनी खुद की एक मार्केटिंग टीम को एस्टेब्लिश करके अपना बिजनेस जो है उसे ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप अपनी खुद की एक ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, अपना खुद का एक ब्रांड नेम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि नवनीत है, गाला है वगैरह, जैसा ही आप अपना खुद का एक ब्रांड नेम क्रिएट कर सकते हैं और मार्केट में अच्छे रेट पर अपनी नोटबुक्स को आप बेच सकते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।